शिव योगिनी, कर्म योगिनी, रणरागिनी, महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्याबाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बारमल दादा ने मुझे अपनी स्नेहिल छत्र छाया में तलवारबाजी, दूसरे शस्त्र, घुड़सवारी और युद्ध नीति सिखाई। सासू माँ का मार्गदर्शन और बाबा साहेब की शिक्षा ने जिसे मेरे नए व्यक्तित्व का निर्माण किया था। आसमान में श्यामल मेघ मंडराने लगे थे, वर्षा शुरू हो गई थी। थोड़े ही दिनों में चारों ओर हरियाली छा गई, कई तरह के फूल बाग का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। मैं राखी पूर्णिमा का इंतजार करने लगी। राखी का त्यौहार मुझे बहुत पसंद था। मैं उत्सुकता से शाहजी दादा और महाजी दादा की राह देख रही थी। सासू माँ ने कहा, अहिल्या आज अच्छे पकवान बनाना, तुम्हारे दादा आ रहे हैं। राखी के दिन मैंने बहुत सारे मेवे और केसर वाली खीर बनाई और भी बहुत सारे पकवान बनाए। सेविकाओं से रेशम और जरी की राखी बनवाई। आरती और पूजा करके देवारे में गणेश जी को और बालकृष्ण भगवान को राखी बांधी, आरती की और नैवेद्य दिखाया। थोड़ी ही देर में शाहजी दादा और महाजी दादा पहुंच गए। आते ही मैंने उनको चरण स्पर्श किए। दादा भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने उनसे आई और बाबा की कुशल क्षेम पूछी, कपिला गाय के बारे में पूछा, सारी बकरियां, पक्षी और पेड़ों के बारे में पूछा। दादा हंसते हुए बोले, हाँ अहिल्या सब ठीक है और तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारी सारी सहेलियां भी तुम्हें याद करती हैं, उन्होंने तो गांव के पेड़ों पर झूले भी डाल कर रखे हैं और झूलते हुए सावन के गीत गाती हैं। तुम तो कितनी ऊंची ऊंची पेग लेती थी ना अहिल्या। दादा की बातें सुनते सुनते मैं बचपन की दुनिया में खो गई। सहेलियों के साथ बारिश में भीगते हुए झूले झूलना, बागों में अमरूद तोड़ना, झील के पानी में उतरकर सिद्धेश्वर के लिए कमल तोड़कर लाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सिद्धेश्वर मंदिर में जल चढ़ाना, पुष्प अर्पित करना, आरती करना, सब याद हो आया। बाग में नृत्यरत मयूरों को हम जी भर कर देखते, कभी कभी हम झरा हुआ मोरपंख घर ले आते। दादा ने कहा, जब तुम्हारी सहेलियां ससुराल से गांव आती हैं तो हमेशा पूछती हैं, अहिल्या कब आएगी। दोपहर को भोजन के बाद मैंने राखी का थाल मंगवाया, दोनों दादाओं को चांदी के पाट पर बैठाया, उनको कुंकू का तिलक लगाया, अक्षता सिर पर डाली, फिर रेशमी राखी उनकी कलाइयों पर बांधकर निरंजन से उनकी आरती उतारी और चरण स्पर्श किए, फिर हाथ में नारियल और मिठाई के टोकरे दिए। दादा ने मुझे रेशमी जरी की साड़ियाँ और माणिक मोती के दागिने दिए जो आई ने भेजे थे। दोनों दादा ने भरपूर आशीर्वाद दिए और वापस गांव लौट गए। राखी के मधुर यादों से मैं अभी उभरी भी नहीं थी कि जन्माष्टमी की तैयारियाँ शुरू हो गईं। बालकृष्ण की मूर्ति के लिए जरीदार पीले रंग की पोशाक बनवाई गई। सासू माँ ने
कृष्ण के लिए छोटे छोटे मोतियों के दागीने बनवाए, एक छोटा सा जरीदार मुकुट जिसमें मोर पंख लगा था वह भी मंगवाया। सुबह से ही बाल कृष्ण को चांदी के झूले पर रखा, गले में हार, बाजूबंद, कड़े, पेंजन और सिर पर मोर मुकुट से सजाया गया था। उनके इस भव्य मोहक स्वरूप से मेरी नज़रें हट ही नहीं पा रही थी। कृष्ण लीला के भजन गाए जा रहे थे, दिन में सबको प्रसाद दिया गया। रात को 12 बजे गौतमा बाई सासू माँ, द्वारका बाई सासू माँ, बाला बाई सासू माँ और हरखू बाई सासू माँ और मैंने झूले में लगी रेशमी सुनहरी डोर को खींचा तो ऐसा लगा मानो सच ही कृष्ण जी झूला झूल रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। कृष्ण जी की आरती की और सबको मिठाई का प्रसाद खिलाया। जिंदगी सासू माँ और बाबा साहेब की सहज छत्रछाया में सुख से बीत रही थी। जब भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ती मैं सोचती जिंदगी एक पुस्तक ही तो है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि वचन का धर्म कैसे निभाते हैं, माता पिता की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा समझनी चाहिए, पत्नी धर्म का पालन निष्ठा से कैसे करना है, बड़े भाई की रक्षा के लिए नींद तक का त्याग करना है, भरत की तरह बड़े भाई की अनुपस्थिति में उनका खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राजकार्य चलाना है। फिर महाभारत में गीता के वचन जीवन और मृत्यु का दर्शन समझाते हैं। हमारे वेद ज्ञान अर्जित करने का उपदेश देते हैं। पुराण हमको भक्ति की शक्ति दर्शाते हैं। नवरात्रि शुरू हो गई थी, यह 9 रातों का उत्सव था। उन 9 रातों में राजवाड़े में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती थी। नवरात्रि के पहले ही दिन धूमधाम से घट स्थापना की गई। पूजा गृह में छोटा सा मंडप लगाकर देवताओं को स्थापित कर गेहूं के ज्वारे बोए गए। पुरोहितों ने 9 दिनों तक गायत्री मंत्र और दुर्गा सप्तशती का जाप शुरू कर दिया। नवरात्रि के उपास जब तब चालू थे। सप्तमी को घट में फुलौरा बांधा गया जिसमें मैदे की पूरियाँ और देवी का पूरा श्रृंगार, फनी, कांच, हार, कर्णफूल, कड़े, पायजेब बनाकर घट में बांधा गया। अष्टमी को महल में कन्या पूजन का आयोजन बहुत धूमधाम से होता था। अनगिनत छोटी छोटी कन्याओं को भोजन के लिए बुलाया था। उनके लिए बहुत सारे पकवान बनाए गए। भोजन के लिए पाट के आसपास रंगोली सजाई गई, सुगंधित अगरबत्तियां जलाई गईं। सारी छोटी छोटी कन्याएं सज संवर कर आई थीं। वो नन्ही बालिकाएं साक्षात देवी का रूप लग रही थीं। उन नन्ही बालिकाओं को बैठाकर उन्हें हल्दी कुंकू लगाया गया। भोजन के बाद सबको साड़ी, कन और चूड़ियों के साथ उपहार देकर विदा किया। नवमी को सुबह देवी के आरती के बाद कुल परंपरा के अनुसार तली भंडार किया गया। तली भंडार बाबा साहेब खंडेराव जी, तुकोजी राव भारमल दादा और गंगोबा तात्या ने किया। चांदी के दबक में पूजन सामग्री रखकर मल्लारी मातन की आरती की। बोल सदानंदाचा ये कोट, बोल सदानंदाचा ये कोट, हर हर महादेव, चिंता मन मोरिया, आनंदीचा उदे उदे, सोन्याची जेजुरी, मोत्याचा तुरा, कमरी कंदोरा, बेंबी हिरा पाई तोड़ा, मखमली जोड़ा, अंगावर शाल, साधा ही लाल, देव मल्हारी, निकळ्या घोड्यावर शिकार करी, दुपारीच्या वेळी माळाचा सुंदरी आरती करी, नानापरी, खोबऱ्याचा कुटका, भंडाराचा भडका, बोल सदानंदाचा येळकोट। आरती के बाद सबको खोपरे और हल्दी का प्रसाद बांटा, ज्वारे को ठंडा किया, फिर नैवेद्य दिखाकर सबने भोजन किया। दूसरे दिन दशहरा था। सारे शस्त्रों की और सरस्वती की पूजा की गई। शाम को सारे वरिष्ठ जनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिए।
दशहरे को विशेष महत्व इसलिए भी दिया जाता था कि खंडेराव जी का जन्म विजयादशमी को ही हुआ था। दीपावली की सारी तैयारियां शुरू हो गई। गौतमा भाई सासू माँ, द्वारका भाई सासू माँ, बना भाई सासू माँ और हरखू भाई सासू माँ, सभी का उत्साह चरम पर था। दिवाली की मिठाइयाँ बनाने पाक कला में सिद्ध हस्त त्रियों को बुलाया गया। दिवाली आते आते सारी मिठाइयाँ बन गईं। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का भव्य आयोजन किया गया। मेरे लिए सासू माँ ने कई रेशमी जरी की साड़ियाँ और गहने बनवाए। लक्ष्मी पूजन बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। रोशनी से सारा महल जगमगा रहा था। दूसरे दिन राज्य में मिठाई बंटवाई गई, उपहार दिए गए। भाग्य मुझ पर सुखों की बारिश कर रहा था। अब तो जिंदगी मुझे काव्य की तरह लगने लगी थी। जिंदगी अंजूरी में रखे फूलों की तरह महक रही थी। जिंदगी ऐसी लग रही थी मानो जिंदगी रिश्तों की किताब पर लिखी एक खूबसूरत कविता है। थोड़े ही दिनों में ठंड शुरू हो गई। कुछ ही दिन बीते थे कि संक्रांत आ गई। राजमहल में तिल के व्यंजन बनाए जा रहे थे। मेरे लिए नई साड़ियाँ मंगवाई गई। सुबह पूजा के बाद सासू माँ ने कहा, अहिल्या शाम को अच्छे से तैयार होकर मेरे कक्ष में आना। आज कुछ महिलाओं को हल्दी कुंकू के लिए बुलाया है। शाम को मैंने रेशमी पैठनी जरी की साड़ी पहनी, सारे दागीने पहने और सासू माँ के कक्ष में गई। वहाँ पर सारी रानी सासू माँ पहले से ही थी। सबने भर जरी की साड़ियाँ और गहने पहन रखे थे। मैंने जाकर सबके चरण स्पर्श किए। सासू माँ ने मुझे मंच पर बैठाया और एक सेविका को चांदी का थाल लाने को कहा। सेविका रेशमी वस्त्र से ढका थाल लेकर आई। वो जैसे ही पास आई, सासू माँ ने थाल पर से रेशमी वस्त्र हटाया और मुझसे कहा, देखो अहिल्या, तुम्हारे लिए सारे तिल के दागीने बना कर मंगाए हैं, अब मैं तुम्हें पहना देती हूँ। फिर सासू माँ ने मुझे तिल की बनी माथे की बिंदी, कर्णफूल, हार, कड़े, कमरपट्टा, बाजूबन पहनाए। चारों सासू माँ ने मेरी नज़र उतारी। तभी सुहागिन स्त्रियों ने आना शुरू कर दिया। सबको बैठने के लिए आसन दिए। सेविका ने चांदी की थाली में ला कर दी। उसमें हल्दी, कुमकुम, गुलाब जल और इत्र रखा था। दूसरी थाली में चांदी के बिछुए रखे थे और कांच की चूड़ियाँ थीं। सासू माँ ने और मैंने सब स्त्रियों को हल्दी कुंकू लगाया, इत्र लगाया, गुलाब जल छिड़का और तिल की मिठाई के साथ संक्रांति हिम्मत उपहार दिए और विदा किया। सासू माँ ने कहा, अब थोड़ी देर से खंडेराव के साथ आना, हम सब बाबा साहेब के कक्ष में चलेंगे। थोड़ी ही देर में खंडेराव जी मेरे कक्ष में आए, मुझसे बोले, आज तो छोटी रानी साहब बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और ये क्या तिल के गहने? लगता है आज आई साहब ने अपने लाडली सुनबाई के ज़्यादा ही कौतुक किए हैं। मैं शर्मा कर हंसती और बोली, चलिए आज संक्रांत है, सासू माँ और बाबा साहेब के पास तिलगोई लेने जाना है। फिर हम दोनों और गौतमा भाई सासू माँ, द्वारका भाई सासू माँ सब मिलकर बाबा साहेब के कक्ष में गए। उनसे तिल की मिठाई ली, चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। वे बोले, तिल गुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला। सारी सासू माँ ने भी हमें तिल की मिठाई दी और हम दोनों को बहुत उपहार दिए। अब जिंदगी में रिश्ते जैसे मेरे लिए रक्षा कवच बन गए थे। बचपन में आई ममता का आंचल बंदुलार बरसाती रही। बाबा के स्नेह लाड़ का घना साया मुझे जिंदगी की तपती धूप से बचाता रहा। भाइयों का स्नेह बंधन मेरी रक्षा बनकर साथ निभाता रहा।
इंदौर आकर सारे रिश्तों का स्वरूप मुझे सासू माँ और बाबा साहेब में साकार लगने लगा था। खंडेराव जी मेरा पूरा ख्याल रखते और जीवन संगिनी के रूप में पूरा मान देते। एक दिन अचानक जब सुबह उठी तो लगा जैसे सारा आकाश सिर पर घूम रहा है। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। जरा सा चलती तो चक्कर आने लगते। शाम को दिया बत्ती करके मैं नित्य सासू माँ के पास जाकर बैठ गई। सासू माँ ने कुछ देर मुझे निरख कर देखा और पूछा, सुन भाई क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, कहीं खंडेराव ने कुछ कह तो नहीं दिया। मैंने कहा, नहीं सासू माँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ खाने का मन नहीं करता, बस आराम करने का मन करता है। सासू माँ ने अब ध्यान से मेरी ओर देखा और कहा, अहिल्या लगता है कोई खुशखबर मिलने वाली है। सासू माँ का चेहरा खुशखबर की संभावना से ही खिल गया। उन्होंने तुरंत सेविकाओं को आवाज़ दी और कहा, और राजमहल की दाई को बुला कर लाओ। थोड़ी देर में दाई माँ आ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे ध्यान से देखा, फिर वे हंसते हुए सासू माँ से बोली, रानी साहब आपके यहाँ पालना हिलने वाला है, आज तो मेरी झोली मोतियों से भर दीजिए। क्या कहते हो, सासू माँ एकदम उठकर खड़ी हो गई और दाई माँ के बाहर झकझोरते हुए पूछने लगी, क्या हमारे राजमहल में नन्हे युवराज आने वाले हैं। उन्होंने तुरंत गले से मोतियों की माला निकाली और दाई माँ की हथेली पर रख दी। दाई माँ ने सासू माँ के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी चली गई। सासू माँ के तो खुशी का पारावार ही नहीं रहा, वे मुझे लेके तुरंत पूजा घर में गई और शिव जी का मल्लारी मार्तन का आभार मानने लगी। उनकी आंखें बार बार खुशी से भीग रही थी। हम वापस कक्ष में आ गए। उन्होंने तुरंत द्वारका भाई सासू माँ, बना भाई सासू माँ और हरखू भाई सासू माँ को बुलाया और उनसे बोली, मल्लारी मार्तन की कृपा से हमारे राजमहल में नन्ना मेहमान आने वाला है। मैं शर्माई सी गर्दन झुकाकर मंच पर बैठी थी। सब ने मेरा कौतुक करना शुरू कर दिया। सभी की तरफ से मीठी मीठी हिदायतें मिलने शुरू हो गईं। सासू माँ कहने लगी, अहिल्या अब तुम ज़्यादा काम मत करना, कोई वज़न मत उठाना, फलाहार ज़्यादा करना, नियमित दूध लेना। मेरे मन में भी कई कोमल अनुभूतियाँ हिलोरे लेने लगी। इन दोनों मुझे कुछ नए नए अनुभव हो रहे थे। कभी तो कुछ मीठी चीज़ खाने को मन करता, कभी कुछ खट्टा, और किसी किसी वस्तु से तो जैसे अरुचि सी हो गई थी। सासू माँ रोज़ ही पूछती, अहिल्या कुछ विशेष खाने का मन हो तो बताना, मैं अपने स्वयं की देखभाल में बनवाऊँगी। वो कभी फलों का रस तो कभी फल मेरे कक्ष में भिजवाती। बाबा साहेब ने भी हिदायत दे दी थी कि भोजन अब अहिल्या की पसंद का ही बनाना। बारिश होती तो गीली मिट्टी की सौंधी महक को हथेलियों में भरने का मन करता, तो कभी चांदनी रात में झिलमिल चांद को देखते रहने का मन करता। कभी लगता चांदनी की बारिश में जी भर कर नहा लूं, गुलाबी धूप की गुनगुनी उष्मा में जब राजमहल के बाग में गुलाब चंपा मोगरा मुस्कुराते तो उनकी भीनी महक सांसों में महसूस करती। इंद्रधनुष का झूले पर धीरे धीरे झूलने का मन करता। धार्मिक पुस्तकों का पारायण मुझे सुख देता। खंडेराव जी जब भी मेरे कक्ष में आते वो आने वाले बालक की ही बातें करते। वे मुझसे पूछते हैं, अहिल्या हमारे घर बेटी आएगी या बेटा।
मैं शर्मा कर नजरें झुका लेती, फिर झुकी आंखों से ही पूछती, आपको क्या चाहिए? वो हंसकर कहते, अहिल्या बेटी हुई तो तुम्हारी जैसी होगी और बेटा हुआ तो मेरे जैसा। वैसे भी बेटा हो या बेटी, मुझे तो दोनों ही प्यारे रहेंगे। फिर वे मुझसे पूछते, अहिल्या तुम्हें क्या चाहिए? मैं कहती, छोटे सूबेदार जी, मैं भी बेटी या बेटा दोनों ही पाकर खुश रहूंगी। मुझे तो माँ बनकर ही खुशी होगी, क्योंकि माँ का स्थान बहुत बड़ा होता है। आखिर ईश्वर को भी तो माँ ही जन्म देती है। हाँ, सच ही माँ का स्थान तो सर्वोपरि है ही। अच्छा अहिल्या, कुछ विशेष खाने का मन है क्या? मैंने सुना है इमली या ऐसा ही कुछ खाने का मन इन दिनों होता है। मैं धीरे से मुस्करा दी और हाँ में गर्दन हिला दी। सच ही मुझे इमली खाने का बहुत मन हो रहा था। बाबा साहब कई बार मुझे दरबार में ले जाया करते थे। वो चाहते थे कि उनके अनुपस्थिति में मैं राज्य का कार्यभार देखूं। पर इन दिनों जब बाबा साहब महल में नहीं रहते, मैं कागजात अपने कक्ष में ही मंगवा लेती। सासू माँ स्वयं ही मेरे कक्ष में आ जाती और कई बार मेरी नज़र भी उतारती। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सासू माँ मुझसे बोली, सुन भाई, थोड़े ही दिनों में तुम्हें 7वां महीना लगने वाला है। तुम्हारी आई बाबा को लेने सेवक भेज दिए हैं। मैं तुम्हारी गोद भराई की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हारे माहिर के लोग आते ही हम दोहा जेवन करेंगे। मैं सच ही सुख के हिंडोले में झूल रही थी। मातृत्व के सुखद अनुभूति में मैं सराबोर थी। सुबह से ही मैं आई बाबा और दादा की राह देख रही थी। शाम होते ही आई ने मेरे कक्ष में कदम रखा। मैं आई के चरण स्पर्श करने ही वाली थी। आई तुरंत मेरे पास आई और बोली, अब राहू दे पोरी, तू कशी आहेस? आई ने मेरी बल्लैया उतारी और कुशल क्षेम पूछकर कई हिदायतें देती रही। सारे राजमहल में दोहा जेवन की भव्य तैयारियां चल रही थी। दोहा जेवन का दिन निश्चित हुआ। सासू माँ ने पहले ही खंडेराव जी और बाबा साहब से पूछ लिया था कि कब वे इंदौर में रहेंगे। शाम होते ही सासू माँ ने मेरा विशेष श्रृंगार करवाया। हीरे मोती के आभूषण तो थे ही, पर विशेष रूप से मोगरे के फूलों से सिर का मुकुट, बिंदी, गले का हार, बाजूबंद, गजरे, कमरपट्टा, कर्णफूल बनाकर मुझे पहनाए। आई मेरे लिए हरी पैठने की जड़ी बूटी वाली साड़ी, कांच की हरी चूड़ियाँ और दागिने लेकर आई थी। वही साड़ी और दागिने मैंने पहने। थोड़ी ही देर में सारी स्त्रियाँ सुंदर सुंदर रेशमी भरजरी की साड़ियाँ गहने पहने आईं। मुझे फूलों से सजे झूले पर बैठाया गया। फूलों की खुशबू से पूरा महल महक रहा था। 5 सुहागिन स्त्रियों ने मुझे हल्दी कुंकू लगाया और मेरी साड़ी के पल्लू में 5 फल, नारियल की कटोरी, साड़ी, खंड रखे। खंडेराव जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाबा साहब और बाबा की आंखों में स्नेह झलक रहा था। वो लोग मेरे पास आए। मैंने हल्के से झुककर चरण स्पर्श किया, क्योंकि मैं अब ज़्यादा झुक नहीं सकती थी। उन्होंने जी भर आशीर्वाद दिए। जब वे जाने लगे, खंडेराव जी धीरे से मेरे कानों में आकर कह कर गए, अहिल्या तुम तो आज फूलों की रानी लग रही हो। मैं शर्म से चूर चूर हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद अतिथि स्त्रियों को हल्दी कुंकू लगाया, उन पर गुलाब जल छिड़का, इत्र लगाया। तब तक भोजन बन चुका था।
पांच तरह की मिठाइयाँ तो थी ही, उसके अलावा भी कई तरह के व्यंजन बनाए गए थे। सबके लिए पाट बिछाकर रंगोली मांडी गई थी। सुगंधित अगरबत्तियों से महकते धूम्रवलय उठ रहे थे। मेरे लिए चांदी की थाली संपूर्ण व्यंजनों से सजी हुई थी, लेकिन आश्चर्य हुआ जब उनमें दो कटोरियां ढकी हुई थी। मेरे आसपास आई चारों सासू माँ, ननंदे सीताबाई साहब और उदाबाई साहब बैठी हुई थी। सासू माँ बोली, सुन भाई, तुम्हें दोनों कटोरी में से एक कटोरी की ताटली हटानी होगी। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। आई भी हंसते हंसते बोली, अहिल्या, अब वक्तिस का है? इन दो कटोरियों में एक कटोरी में लड्डू है और एक में जलेबी है। तुम जिस कटोरी का ढक्कन हटाओगी तो उसे देखकर पता चलेगा कि तुम्हारी गोद में बेटी खेलेगी या बेटा। मैंने हैरानी से पूछा, अरे वो कैसे? सासू माँ बोली, अगर कटोरी का ढक्कन खोलते ही लड्डू निकला तो वो बेटा होगा, और अगर जलेबी निकली तो बेटी होगी। मैं ध्यान से दोनों कटोरियों को देखने लगी। फिर मैंने एक कटोरी का ढक्कन खोला। सबने देखा, उसमें लड्डू था। सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। आई बोली, रानी साहब, अब आपके घर छोटे युवराज आने वाले हैं। सबने खुशी खुशी भोजन किया। फिर एक दिन आई ने भी राजमहल में मेरा डोहार्जेवन किया। सासू माँ का उत्साह तो जैसे आसमान छू रहा था। एक बार उन्होंने चांदनी रात में भी मेरा डोहार्जेवन किया। मेरा कौतुक देख खंडेराव जी भी बहुत खुश थे। वो मुझे बार बार चिढ़ाते हैं, अहिल्या, अब तो सब तुम्हारे ही लाड़ लड़ाते हैं, हमें तो भाई कोई नहीं पूछता। मैं हंस देती। आखिर वह दिन आ गया जब मेरा फिर एक नया जन्म हुआ। देपालपुर में बालक का जन्म हुआ। गोद में नन्हे खंडेराव आए। मातृत्व के अनिर्वचनीय सुख को मैंने अनुभव किया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। सारे शहर में हाथी पर शक्कर बंटवाई गई। Thank you.